Hey guys, आज हम लोग रेडी हो चुके हैं. इट्स 10 AM एंड आज का प्लान हमारा है, हम जलोरी पास के लिए निकल रहे हैं. और वंस वी रीच जलोरी पास देन वील डिसाइड वेदर वी आर कवरिंग रघुपुर फोर्ट टुडे और सरोलसर लेक. दोनों से एक ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा वहाँ पहुँचने में. एंड उसके बाद दोनों के दोनों ट्रैक जो हैं वो करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है हमें अपहिल जाने के लिए. तो वहाँ पहुँच के विल शो यू हाउ द प्लेस लुक लाइक एंड स्टे ट्यून्ड. सी यू, बाय. सो गाइज, हम लोग जलोरी पास पहुंच चुके हैं. जो रास्ता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा स्टीप है. एंड अगर आप सीजन में आ रहे हैं और अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो जलोरी पास तक जीबी से आ पाएगी, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी करके, हायर करके यहाँ पहुँचें. और अगर नॉन सीजन में आ रहे हैं, नॉन बीच सीजन में आ रहे हैं, तो प्रोबेबली यू नो इफ़ यू डोंट हैव मच ट्रैफिक ऑन द रोड, तो शायद आपकी गाड़ी मोशन में होगी तो पिकअप करके आराम से पहुंच जाएगी. बाकी इफ़ यू हैव अ न्यू कार, इफ़ यू हैव अ पावरफुल कार, देन डेफिनेटली इट्स नॉट दैट स्टीप. आराम से आप लोग यहाँ पहुंच सकते हैं. हमें करीब एग्जैक्टली 35 मिनट्स लगे हैं जीबी से यहाँ पहुंचने में. तो आई थिंक रास्ते में एक बार हमें आपस में सामने से कोई गाड़ी आ गई थी, तो हमें अपनी गाड़ी काफ़ी देर रोकनी भी पड़ी. तो आई बिलीव हार्डली लाइक 30 मिनट्स का रास्ता है जीबी से यहाँ तक का, क्लोज टू 9 to 10 किलोमीटर्स. बस हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं किसी तरीके से. अब नाउ वी आर हेडिंग फॉर रघुपुर फोर्ट एंड इट्स ऑलरेडी 1:30 PM. अगर हमें मौका मिला तो हम सरोलसर लेक भी कवर करने की कोशिश करेंगे. But let's see. I don't think that would be feasible, you know, in a single day now when it's already 1:30 PM. But still, we'll try and we'll keep you posted. Guys, finally we have decided to go to Serolsar Lake. ये रास्ता शुरू होता है यहाँ से. हमने गाड़ी यहीं कहीं पास में एक पार्किंग एरिया, वहाँ पार्क करी है गाड़ी. एंड हम लोग अब Serolsar Lake की तरफ निकल रहे हैं. एंड आई होप, वैसे 5 किलोमीटर्स का रास्ता है तो शायद हम 1 hour 15 minutes में प्रॉबेबली कवर कर जाएंगे. इट्स ऑलरेडी 1:45 PM. होपफुली विल बी देयर बाय 3 o'clock. दिस इज द व्यू फ्रॉम जलोरी पास. Thank you.
आंटी लेक कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है लेक अभी? अभी तो एक घंटा लगेगा। एक घंटा लगेगा, ठीक है। अच्छी जगह है आगे लेक? अच्छी जगह। हमारे रास्ते में ही सरोलसर लेक के रास्ते में यू वुड फाइंड दीज कैंप्स जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। आई थिंक ये स्टार्टिंग में ही है, आगे का रास्ता काफ़ी लंबा है। हम लोग अभी 10 मिनट ही हुए हैं हमें 15 मिनट पार्किंग से चले हुए, और ये कैंप्स यहाँ पे ब्यूटीफुल कैंप्स। आई थिंक दैट लोकेशन इज़ वेरी नाइस, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर एज वेल, एंड यू कैन सी द कार्स आर पार्क हियर, सो यू कैन गेट योर कार्स अनटिल हियर एट दिस पॉइंट। आगे का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा नैरो है, तो वहाँ गाड़ियाँ जाना थोड़ा टफ लग रहा है। अपना नाराज़ हो गई है क्योंकि अपना का जो टैन है वो टूट गया है, और अब मुझसे टूटा है तो फिर नाराज़गी और बनती है। अभी अपना इज इन नो स्पीकिंग टर्म्स, थोड़ी देर में फिर शुरू हो जाएगी चटपट चटपट। स्माइल कर रही है अभी, धीरे वापस आने वाली है। 5 मिनट लगते हैं इसको लड़की को ना वापस आने में। रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना कि मौसम है दीवाना। ये लोग कहीं जा रहे हैं पता नहीं, सुना है यहाँ पे कोई फंक्शन है आज अगेन, दे आर गोइंग टू यू नो इनके कोई देवता हैं उनको लेके जा रहे हैं शायद से। यप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, पर वो येलो में एक अंकल जा रहे हैं या वो वाले, हाँ पता नहीं। सो फाइनली गाइज वी हैव रीच सरोलसर लेक राइट बिहाइंड मी। हम लोगों को करीब 1 आवर 30 मिनट्स लगे यहाँ तक पहुँचने में फ्रॉम द पार्किंग एरिया। आई थिंक इट्स अराउंड 4 to 5 kilometers ट्रैक, बट नॉट वेरी स्टीप, इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रैक, एंड प्लेस हेयर इज़ ब्यूटिफुल। यू वुड फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर कैंपिंग हेयर टू नाइट, काफ़ी सारे लोग अपने अपने कैंप्स लेके आए हुए हैं, एंड दे गोना स्टे ओवर नाइट हेयर। लेट मी शो यू दिस ब्यूटिफुल प्लेस, लेट मी शो यू अराउंड हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक, एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल एज वेल। सो दैट्स अ टेम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन माई वीडियो अर्लियर, एंड दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। इफ यू आर कैरिंग योर कैंप्स, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे ओवर नाइट। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने अपने कैंप्स लेके आए हुए हैं टू स्टे ओवर नाइट। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। 5 kilometers का लंबा ट्रैक करके आप जब ऊपर पहुँचें तो स्टेइंग ओवर नाइट इज द बेस्ट प्लान आई वुड से। कृपया जूते यहाँ उतारें जो कि मिट गया है। यहाँ पे लोग आके पूजा
समथिंग करते हैं. सो दे वांट कि यहाँ पे जो भी जाए वो जूता उतार के जाए यहाँ पे. सो गाइज, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी. वी गना गो बैक टू आवर कॉटेज इन सम टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.